फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि नवंबर 2019 में कौन कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी जानकारी हो सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी कोई भी चीज़ उसमें मिस ना होने पाए। तो आइए चर्चा करते हैं कि नवंबर 2019 में कौन कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आता है GSTR 7। GSTR 7 उन लोगों को फाइल करना होता है जो TDS डिडक्टर है, और इसकी ड्यू डेट्स है 10 नवंबर 2019। इसके बाद आता है GSTR 8, इसकी भी ड्यू डेट 10 नवंबर 2019 है, और ये उन लोगों को फाइल करना होता है जो TCS कलेक्टर है, यानी कि फॉर्म GSTR 8 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 TCS कलेक्टर, समरी ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS एंड डिपॉजिटेड बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अंडर GST लॉज। यानी कि GSTR 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को फाइल करना है और इसकी ड्यू डेट है 10 नवंबर 2019। इसके बाद आता है GSTR 1, जिसकी ड्यू डेट है 11 नवंबर 2019। रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 फॉर असेसी हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 1.5 करोड़ मंथली रिटर्न। यानी जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें अपना GSTR 1 11 नवंबर 2019 तक फाइल कर देना है। नेक्स्ट है GSTR 6, इसकी ड्यू डेट है 13 नवंबर 2019। ये फाइल करना होता है ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ अक्टूबर 2019 बाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी ISD डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उन्हें GSTR 6 फाइल करना होता है, और उसकी ड्यू डेट है 13 नवंबर 2019। नेक्स्ट आता है GSTR 5 एंड GSTR 5A, इसकी ड्यू डेट है 20 नवंबर 2019। समरी ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज एंड टैक्स पेबल बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड OIDAR रेस्पेक्टिवली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करना होता है 5 और 5A, जिसकी ड्यू डेट है 20 नवंबर 2019। इसके बाद आता है GSTR 3B, जिसकी ड्यू डेट है 20 नवंबर 2019। सिंपल GSTR रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019, यानी GSTR 3B अक्टूबर का हमें 20 नवंबर 2019 तक फाइल करना है। नेक्स्ट है GSTR 9, GSTR 9A एंड GSTR 9C। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18, जिसकी ड्यू डेट है 30 नवंबर 2019। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी ड्यू डेट आ चुकी है, 30 नवंबर 2019 है, और तब तक हमें इसको फाइल कर देना है। इसमें जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है उन्हें अपना ऑडिट भी करवाना है, GST ऑडिट करवाना है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। हो सकता है इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म भी आने के लिए है, अगर वो आता है तो उसको भी देख लें, लेकिन फिलहाल इसकी डेट 30 नवंबर 2019 है, तो इसकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कर लें। धन्यवाद।